जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र में घर के अंदर एक महिला की नंगन अवस्था में खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या करने से पहले अज्ञात लोगों ने उसके साथ रेप किया होगा। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। घटना रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम मजीठ की है, जहां 50 वर्षीय जय देवी, जो कि घर में अकेली रहती थी, और उसका लड़का पूना की एक फैक्ट्री में काम करता था और वो भी घर पर नहीं था। बताया गया कि जब महिला अकेली थी तभी अज्ञात लोगों ने घर में घुस कर हत्या कर दी। वहीं आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या करने से पहले उसके साथ रेप किया गया होगा, क्योंकि महिला की लाश घर में नंगन अवस्था में थी। और इसके बारे में तब पता चला जब महिला की पड़ोस में रहने वाली महिला किसी काम से घर में गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद रामपुरा पुलिस सीओ अजय कुमार शर्मा और एसडीएम माधोगढ़ सौजन्य कुमार विकास दरबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं सीओ अजय कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। जब उनसे पूछा कि क्या महिला के साथ रेप किया गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले का पता तब चलेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, अभी कुछ कहना संभव नहीं होगा। मजीठ गांव में जयदेवी नाम की एक महिला है, 45-50 के बीच उनकी उम्र होगी, अकेले ही एक घर में रहती थी और निर्बल वर्ग की महिला है। उनको एक सरकारी आवास मिला हुआ था, निर्धन है, उसी में रहती थी। वहाँ पे सुबह में उनकी डेड बॉडी मिली है और कपड़े पे लिगेचर मार्क है गर्दन पे, और लगता है कि उसकी हत्या करके और वहाँ पे छोड़ दी गई है शव को, और शरीर पे कपड़े भी कम थे, तो हो सकता है उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ हो। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए डेड बॉडी पंचायतनामा के बाद भेजी जा रही है। मौके पर स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं और अभी तक की कार्रवाई से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। विवेचना जारी है और अनुसंधान के बाद इसमें जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।